नालासोपारा में तुरंत पुलिस को मिली बड़ी जीत, 6 नाइजेरियन को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि ये 6 नाइजेरियन जो है इन्हें तुरंत पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और इसी के साथ जो घर में ये रह रहे थे उनके घर मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और दलाल को भी गिरफ्तार किया है। इनका वीज़ा जो है वो ख़त्म हो चुका था, उसके चलते ये फिर भी मुंबई में रह रहे थे पढ़ाई के लिए। नाइजेरियंस मुंबई में आते हैं वीज़ा ख़त्म होने के बाद, देश छोड़कर फिर से नहीं लौटते हैं। ऐसे में जो दलाल इन्हें यहाँ पर रखते हैं उन पर भी कार्रवाई करनी ज़रूरी होती है। ऐसे में तुलिंच पुलिस ने 6 नाइजेरियन को गिरफ्तार कर उनके दलाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। आइए जानते हैं पुलिस निरीक्षक का क्या कहना है इस बारे में। तुलिंच पुलिस स्टेशन के एरिया में, खास करके प्रगति नगर और ये जो मोरेगांव एरिया में कुछ नाइजेरियन, युगांडन, अफ्रीकन नेशनल यहाँ पे रहते। हमें ऐसी जानकारी मिली थी कि उनमें से कई लोगों के पास एक तो पासपोर्ट उनका लैप्स हो गया है, वीज़ा लैप्स हो गया है। तो हमने उनका पूरा डाटाबेस तैयार करने का काम चालू है। तो हमें उनमें से कुछ 9 नाइजेरियन के पास पासपोर्ट लैप्स हो गया था और वीज़ा उनका कोई लोगों का वीज़ा लैप्स हो गया था। तो हमने और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर छापा मारकर उन 9 लोगों को ताबे में लिया, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए और उनमें से 3 लोगों के पास उनके पासपोर्ट पहले से कोर्ट में जमा थे, इसलिए उनके ऊपर हम कार्रवाई नहीं कर सके। लेकिन 6 लोगों के पासपोर्ट या वीज़ा लैप्स हो गया था तो उनको हमने फॉरेनर एक्ट 14 सेक्शन के तहत अरेस्ट किया है। उसके साथ ही जिन घर जो हाउस ओनर थे, जिनके घर में, जिनके फ्लैट में ये नाइजेरियन लोग रह रहे थे, उन्होंने कानून का पालन नहीं किया था। कोई भी फॉरेनर को घर में या होटल में रखते वक्त उनको एक फॉर्म भर के पुलिस स्टेशन को देना पड़ता है, तो फिर पुलिस वाले उनका एंटीसीडेंट्स चेक करते फॉरेनर नेशनल का। तो वैसा उन्होंने चेक नहीं किया था, पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। इस आधार पर हमने उन घर मालिक को पर भी हमने केस रजिस्टर किया है। उनमें से एक रिटायर्ड एजेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना कि ये आदमी मेरे पास भाड़े से घर ढूंढ रहा है। तो एजेंट्स के ऊपर भी हमने कार्रवाई की है। ऐसा एक बड़ा कार्रवाई कल हमने 4 घर मालिक और 3 एजेंट और 6 नाइजेरियन जिनको